वेलकम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.5। ओके, सो सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन है वो मैं रीड आउट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है? जो भी सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हमको क्या करना है, ये के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें ये बोला है जो सम ऑफ द रूट्स हैं, क्या जो सम ऑफ द रूट्स हैं ये दो गुना ज़्यादा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से। माइंड में रख लिया? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखो, इक्वेशन दिया है, रूट्स के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं बताया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। तो सबसे पहले कंपेयर करने से पहले हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने सबसे पहले क्या बोल दिया, रूट्स तो दिया नहीं है, रूट्स के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया है। तो हमने क्या बोल दिया कि अल्फा और बीटा ही हमने मान लिया है हमारे रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, therefore अभी क्या करो, सीधा कंपेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 1, इधर x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1। अच्छा, b का वैल्यू क्या है, x के आगे जो भी नंबर है वो b का वैल्यू, ये क्या है, माइनस 4k है। ठीक है, c का वैल्यू क्या है, जो भी ये नंबर है ये, तो c का वैल्यू आ गया k प्लस 3। बराबर, देयरफॉर हमने तो ये पता कर लिया था, एक फार्मूला बताया था हमने आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है ये माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी दिख रहा है आपको इधर, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 4k अपॉन 1, विच इज़ नथिंग बट ये माइनस माइनस कट ओके, क्या हो गया, प्लस 4k। बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, c अपॉन a है। तो व्हाट इज c अपॉन a, c का वैल्यू क्या है, k प्लस 3। बराबर, और a का वैल्यू क्या है, 1, विच इज़ नथिंग बट k प्लस 3। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, मैं बोलता हूँ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमको जो दिया हुआ कंडीशन है वो बोला है जो भी सम ऑफ द रूट्स है ये दो गुना ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से। एज सिंपल एज दैट। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आया, 4k। ठीक है, दो गुना ज़्यादा है किससे, k प्लस 3 से, सॉरी ब्रैकेट ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर, k प्लस 3 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2k। ठीक है, प्लस 6, राइट, और दिस इज 4k। सब जगह देयरफॉर साइन डालना पड़ेगा। ये एक काम करते हैं, ये जो 2k है उसको इधर ले लेते हैं, देयरफॉर 4k जब उधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। तो हमको क्या मिला, 2k इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर आई कैन राइट इट एज 2 1s and 2 3s मीन्स जो k का वैल्यू आया ये क्या आया हमारा, 3 आया, राइट है। ठीक है, सिंपल। क्या करना था भाई, क्या करना था इसमें, पूरे के पूरे इक्वेशन में क्या करना था हमको, k का वैल्यू निकालना है। सही है ना, किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू। बराबर, और k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ एक कंडीशन दिया था, और वो कंडीशन क्या था, अल्फा प्लस या फिर जो सम ऑफ द रूट्स थे ये क्या है, डबल दे आर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट से क्या है, दो गुना ज़्यादा है। बराबर, सो वही सब तो सॉल्व किया। कोई भी चीज़ है इसमें जो हार्ड लगे, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी चीज़ है जो टफ लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोला है अल्फा और बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आपको जो फाइंड करना है वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ क्योंकि इधर अपने को ये करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीज़ फाइंड करना है। बराबर,
ठीक है, अभी देखो सिंपल सी बात है, मैंने ऑलरेडी इधर दो फार्मूला लिख के रख दिया है। क्यों फार्मूला लिख के रख दिया? क्योंकि मेरे को पता था ये इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला है ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा। मतलब ये देखो, ये प्लस सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स, राइट। मीन्स कहीं ना कहीं हमको इसमें से सिर्फ दो चीज़ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सम ऑफ द रूट्स निकालो, राइट है, सम ऑफ द रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर कर दो। सबसे पहले क्या कर दिया, इसको कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कंपेयर कर लिया, ए का वैल्यू मिल गया मुझे 1, बी का वैल्यू जो मिलेगा ये मिलेगा माइनस 2 और सी का वैल्यू जो मिलेगा ये माइनस 7। ठीक है, क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स, या फिर सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, तो अभी अल्फा का देयरफॉर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, सॉरी सम ऑफ द रूट्स निकालना है आपको। क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स, तो ये क्या है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, मतलब माइनस 2 का भी माइनस, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन 1 विच इज़ नथिंग बट 2। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है विच इज़ सी अपॉन ए। सी का वैल्यू क्या है, माइनस 7। ठीक है, और ए का वैल्यू क्या है, 1, मतलब जो भी सी अपॉन जो भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया उसका वैल्यू क्या है, माइनस 7। ठीक है, अभी ये वाला फार्मूला लेते हैं। देयरफॉर टेक द फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका जो फार्मूला है ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या था, 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब माइनस 7। ठीक है, 2 का 4 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब प्लस 2 7 जा 14, तो आंसर क्या आया अपना 18। ठीक है, तो एक तो आंसर आ गया, दूसरा वाला ये जो फार्मूला लिखा है उससे आएगा, तो वो फार्मूला क्या है। ठीक है, वो फार्मूला मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, डायरेक्टली इधर सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स में क्या आया, 2 आया, और 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया था, माइनस 7। ठीक है, और उसमें भी मल्टीप्लाई है क्या, जो अपना सम ऑफ द रूट्स है। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखो 3 7 जा, या फिर ऐसे कर लेते हैं 3 2 जा 6 बराबर है, एंड 6 7 जा 42 बराबर, तो कितना हो गया 50, राइट। देख लेते हैं एक बार, 3 2 6 होता है, ठीक है, 6 7 42 मीन्स अपना जो इसका आंसर आया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ये आंसर कितना है अपना 50 है, राइट। ठीक है, सो इससे हमको ये समझ में आ गया कि हाँ ये वाला जो भी फार्मूला के हिसाब से है इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी जो भी फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फार्मूला ऑल्सो। एंड ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है के का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन मेक श्योर यू हैव द नोट ऑफ इट, ओके।